पूर्व आईएएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की पत्नी नीतू ठाकुर का आगरा आरटीओ में बना हुआ ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी निकला। उन्होंने पत्नी का आगरा में पोस्टिंग के दौरान 2002 में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया था। 3 जून को अवधि समाप्त होने के बाद जब उन्होंने चेक करवाया तो आरटीओ में इस नंबर पर दूसरा लाइसेंस दर्ज निकला। लाइसेंस की अवधि 2 जनवरी 2022 तक थी। पिछले दिनों नीतू ठाकुर ने अपने किसी परिचित के माध्यम से आगरा से जारी हुए ड्राइविंग लाइसेंस की प्रतिलिपि भेजकर इसके नवीकरण के बारे में जानकारी मांगी थी। आरटीओ में जब लाइसेंस का रिकॉर्ड खंगाला गया तो फाइल में इस नंबर से दूसरा लाइसेंस दर्ज मिला, यानी ये लाइसेंस फर्जी तरीके से बनवाया गया था। आरटीओ इस लाइसेंस को लेकर जांच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।